विश्व के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। हम पत्रकार जो है समाज का आईना है और हम ही कलमकारों के ऊपर जब इस तरह का अत्याचार होगा तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, अब इसके आगे कहने की बात नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग धरने में बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी आए, चाहे अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को लेकर आए। जिस मांग को उन्होंने स्वीकारा है कि हम आपके ऊपर से फर्जी मुकदमे हटवा देंगे हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर से, उसको वो हटवाएं, अन्यथा हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और इसकी बातों को हो सकता है कि हम लोग अगर नहीं मान मांगी जाती है तो और आगे हाँ अगली कार्रवाई के लिए हम लोग मुख्यमंत्री तक, डीजीपी तक, अन्य जांच एजेंसियों तक जाने की बात, और लगभग 5 और भी मुकदमे जो इस तरह के हैं, कप्तानगंज में किया गया था, बरदह थाने में किया गया था पत्रकार साथी के ऊपर फर्जी मुकदमा, देवबाग कोतवाली में फर्जी मुकदमा किया गया था, और महाराजगंज में जो है मुकदमा किया गया जितेंद्र मौर्य जितेंद्र राम के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। इस तरह के मुकदमे बार बार पत्रकारों के ऊपर फर्जी दर्ज करना एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन हम लोगों को दबाने का काम कर रहा है, लेकिन हम पत्रकार साथी कभी दबने का काम नहीं करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक जरूर एक मुझे याद आ गया, शेर आ गया कि न मैं गिरा हूँ, न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे हैं और न ही हमारे पत्रकार साथियों के उम्मीद के मीनार गिरे हैं, पर पुलिस वाले तो हमें गिराने में कई बार गिरे हैं। उन लोगों ने हम लोगों को और जहर भी दिया है और हंस करके हम लोगों ने पी लिया है, और ताजुब तो तब हुआ है कि हम लोग पी कर भी जी लिया है। शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़, आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा जो पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है काली पट्टी बांधकर, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि प्रशासन जो है YouTube जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वही आज देश की जनता समाज को आईना दिखा रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज में वो सही सही रख रहे हैं यही YouTube चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से, और सरकार के प्रशासनिक अमले द्वारा लगातार जो आजमगढ़ क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों से जो भी पत्रकार हैं जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्रकार संघ बार बार प्रशासन से आश्वासन भी मिल रहा है और एप्लीकेशन भी दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बार बार ये बयान देते हैं कि पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे अगर लगाए गए तो कार्रवाई होगी, तो उनकी कार्रवाई कहाँ है? क्या उन्हें नहीं पता चल रहा है कि आजमगढ़ में पत्रकारों के ऊपर फर्जी बयान मुकदमे लादे जा रहे हैं? तो प्रशासन होश में आवे, पत्रकारों का सारा मुकदमा वापस ले जल्द से जल्द, तभी जो है अच्छा होगा। नहीं तो पत्रकार संघ जो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, हम कांग्रेस के लोग इनके हर कदम के साथ खड़े होंगे और प्रशासन की इस रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। ये अपना परिचय देते हुए बताएं आज किन मांगों को लेकर आप? मैं अशोक चौहान, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज पत्रकारों का जो मौन पैदल मार्च निकला हुआ शांति मार्च, और क्यों निकला है और अम्बेडकर पार्क में धरने पे क्यों बैठा है, इसका कारण ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हम पत्रकार साथी आज अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में पत्रकारों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं जिसके संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी, DIG साहब को भी हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले अपने पैड पर लिख करके दिया गया था, जो हम लोगों की मांगे थी कि फर्जी मुकदमे हटाया जाए, जो आश्वासन भी मिला था 21 मार्च तक कप्तान साहब ने भी टाइम दिए थे कि आप लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल हटा लिया जाएगा, जिसके संबंध में हम लोगों को जानकारी हुई कि अभी मुकदमे नहीं हटाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है अपना एक ज्ञापन दिया था, कप्तान साहब को अवगत कराया गया था कि हम लोग 22 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे, अगर हम पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम लोगों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस हटाएगा। किस तरीके का फर्जी मुकदमा लगा हुआ, क्या कारण है इसका? जो फर्जी मुकदमे लगाया गया है पूर्व में 21 तारीख को पहला नहीं हम रानी के सराय की बात करते हैं अभी, चूंकि रानी के सराय का मामला भी बहुत हाईलाइटेड हुआ था, जिसमें हमारे पत्रकार साथी थे विनेंद्र सरोज जी,
जिनकी पत्नी सुनीता सरोज थी, जिनके साथ मारपीट की जाती है और अभद्रता की जाती है, वह महिला जो है पीड़ित होकर के पत्रकार साथी हमारा अपनी पत्नी को लेकर के थाने में 5 घंटे बैठ करके वहां दर दर ठोकरे खा रहा है, वहां के थाना प्रभारी से निवेदन कर रहा है, वहां के प्रशासन से निवेदन कर रहा है कि मेरी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मैं पत्रकार हूं, मेरा मुकदमा लिखा जाए। लेकिन अब किसके दबाव में आकर के पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, जिसको लेकर के कुछ पत्रकार साथियों को जब जानकारी हुई तो थाने में पहुंच गए और थाने में पहुंचने के बाद पीड़िता से बयान लेने लगे, जिस पर जो है पत्रकार साथी का हमारे माइक आईडी भी वहां के इंस्पेक्टर द्वारा छीना जा रहा था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इंस्पेक्टर का क्या नाम है सर? इंस्पेक्टर का क्या नाम है? पूर्व में जो वहां के थाना प्रभारी थे उनको जो है कि वहां से हस्तांतरण भी कर दिया गया, राजेश कुमार जी थे जिनको वहां से हटा दिया गया है। और जब ये बात संज्ञान में आई तो हम लोगों ने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा है तो मुकदमा भी हटा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग इंतजार किए, 21 तारीख तक का हम लोगों को टाइम दिया गया था, कप्तान साहब ने बोला था कि एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी साहब जांच करके आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे फर्जी किए गए इसको हटा दिया जाएगा। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज हमारे संगठन द्वारा अभी करीब 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया था। पहला प्रकरण हमारा देवगांव से शुरू हुआ, आज जनपद में 4-5 फर्जी मुकदमे पत्रकारों के ऊपर लादा गया है। पत्रकार समाज का एक आईना होता है, अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, शासन प्रशासन के साथ, जनता के साथ रह करके सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत कराता है। क्या पत्रकार इतना बुरा है कि प्रशासन इन्हीं के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है? और जब जरूरत पड़ती है तो प्रशासन हमारे पत्रकारों को इस्तेमाल भी करता है। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकारों के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा होता है तो 24 घंटे के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ कर रहा है 50,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा उसका प्रावधान दिया गया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा, तो और इसके बावजूद सारा आदेश होने के बाद क्या न्यायपालिका के आदेश की पुलिस प्रशासन जो है अवमानना कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है? हम उसी के खिलाफ जो हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ हैं उनको ले करके हम साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इनके कदम से कदम मिला करके हमको या लखनऊ जाना हो या दिल्ली जाना हो या किसी कोर्ट में जाना हो हम जा करके जब तक न्याय नहीं दिला लेते और जो पुलिस अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा अगर नहीं दर्ज होता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमके हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए, सारे पत्रकारों को फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए, जेल जाना होगा तब भी हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन हम मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं और अखबारों में सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमा होगा तो कार्रवाई होगी, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर जिले में ये जो यहाँ आजमगढ़ झेल रहा है, हर जिला झेल रहा है, हर जिले में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार में एक मशहूर पत्रकार था, बेबाक पत्रकार था मनीष कश्यप, उसको जेल भेज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री तो ये बार बार कहते हैं लेकिन उनके अधिकारियों का क्या, सरकार ने मन बढ़ाया है? आपको नहीं लगता है कि सरकार ने छूट दी है? छोटे से छोटा कर्मचारी जो है लेखपाल स्तर का कर्मचारी आज एससी लगवा दे रहा है पत्रकारों के ऊपर, क्या लगता नहीं है कि आप लोगों को ऐसा है जो प्रशासन को खुली छूट दी गई है जो कि अपनी मनमानी कर रहा है? लेकिन पता नहीं मुखिया के पास ये खबरें पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती है। हमारा मानना ये है कि मुखिया का अखबार में पेपर निकलता है, पेपर में निकलता है ये खबर, मुखिया के पास सारे पेपर पहुंचते हैं।